एमएमटी भाई इधर आओ। कैसे हो दोस्त? बहुत बढ़िया हूँ भाई। भाई इलेक्शन आने वाला है इसलिए नेताजी आए भाषण देने के लिए। मेरे प्यारे वोटर्स, इलेक्शन आने वाला है, अब टाइम आ गया है कुछ बड़ा बड़ा फेंकने का। प्यारे वोटर्स, मैं इलेक्शन जीतने के बाद सारे गरीबों को हटा दूंगा, गरीबी हटा दूंगा। सर गरीबी हटाना है, गरीबों को नहीं। हाँ 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 वही 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 भाई, ये बार बार इलेक्शन होता है, कुछ नेता झूठे वादे भी करते हैं। बात तो सही है भाई। पिछले चैप्टर में हम पढ़े थे कि पावर शेयरिंग क्या होता है, भाई इस चैप्टर में बताएंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है। हाँ, पावर शेयरिंग में हम लोग पढ़े थे कि पावर एक ही जगह नहीं होनी चाहिए बल्कि पावर डिवाइड होनी चाहिए। जैसे हमने देखा था पावर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। हाँ भाई याद आ गया मुझे, पहले राजा महाराजा के टाइम क्या होता था, सारी की सारी पावर्स राजा के पास होता था, तो वही पावर्स का वह राजा गलत इस्तेमाल करता था। इसलिए आजकल के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पावर को डिफरेंट लेवल में बांटा जाता है। जब पावर को डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बांटा जाता है उसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं। जैसे कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है, कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया है। हाँ भाई पावर्स को बांटना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम देखें कि फेडरलिज्म का मतलब पावर को डिफरेंट लेवल में बांटना होता है, जैसे सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में। लेकिन यह बेसिक आइडिया है, डिटेल्स में हम आगे समझेंगे। चलो क्लास। हमने पावर शेयरिंग वाला फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे ना, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। हाँ भाई पढ़े थे। देखो दोस्त, बेल्जियम में पहले यूनिटरी गवर्नमेंट थी, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। फिर बेल्जियम ने पावर को बांट दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर दूसरे स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को दे दिया। पावर को कैसे बांटेंगे भाई, थोड़ा अच्छा समझाइए ना। ए बंटी इधर आओ। हाँ सर बोलिए। ये बंटी है ना, इस क्लास का मॉनिटर है, यानी हेड बॉय है। इसके पास पावर्स है, जैसे या किसी को वॉशरूम जाने का परमिशन दे सकता है। क्लास को शांत रहना इसी का काम है, यही शांत करता है क्लास को जब बच्चा हल्ला करता है। तब किसी स्टूडेंट को पनिशमेंट भी दे सकता है। या अब मैं एक दूसरे बच्चे को बोल दूं कि बंटी फर्स्ट मॉनिटर है और यह दूसरा लड़का जो आ रहा है ना यह सेकेंड मॉनिटर है। थैंक यू सर सेकेंड मॉनिटर बनाने के लिए। यह लड़का को मैं बोल दिया कि अब से स्टूडेंट को पनिशमेंट तुम देना और बंटी सिर्फ वॉशरूम जाने की परमिशन देगा और क्लास को शांत कराएगा। हाँ भाई समझ गया मैं। अब बंटी सब पावर्स लेकर नहीं दूसरे लड़के को दे दिए, इसको हम पावर डिवाइड हुआ है, इसको हम पावर डिवाइड बोल सकते हैं, पावर शेयरिंग बोल सकते हैं। उसी तरह बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ी पावर लेकर दूसरी रीजनल गवर्नमेंट को दे दिया। हाँ भाई। लेकिन श्रीलंका में पावर्स को नहीं बांटा गया, वहाँ पर यूनिटरी सिस्टम है, आज भी सारा पावर्स नेशनल गवर्नमेंट के पास है, वहाँ पर फेडरलिज्म नहीं है दोस्त। हाँ भाई पावर शेयरिंग में पढ़े थे, अब समझते हैं फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम में क्या अंतर होता है। कुछ कुछ तो पता भाई, लेकिन आप बताएंगे तो आज कुछ भी पता चल जाएगा। देखो फेडरलिज्म का मतलब होता है जब पावर्स को सेंट्रल अथॉरिटीज और बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट यूनिट में बटा हो। और इंडिया में 28 स्टेट है जैसे हम जानते हैं, सभी स्टेट के पास पावर्स है और सेंट्रल के पास भी पावर्स है, मतलब पावर्स बटा हुआ है। हाँ भाई आप इतना बार बताएं कि याद हो गया। यूजुअली दो तरह के गवर्नमेंट होते हैं, पहला ऐसा गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री के कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी जो है स्टेट के प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जैसे स्टेट गवर्नमेंट। हाँ भाई समझ गया मैं। अब देखते हैं यूनिटरी सिस्टम क्या है। देखो फेडरलिज्म का पूरा अपोजिट है यूनिटरी सिस्टम। मतलब यूनिटरी सिस्टम में पावर डिवाइड नहीं होगा ना भाई? बिल्कुल नहीं, यूनिटरी सिस्टम में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होगी, उसी के पास सारा का सारा पावर्स होगी, और अगर दूसरी सब यूनिट गवर्नमेंट हुई तो वह उतनी पावरफुल नहीं होगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा है तो वह ऑर्डर दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को, तुम ऐसा करो, करना ही पड़ेगा, राजा महाराजा वाला सिस्टम है ना जैसा। तो फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट तुमको ऐसा करना ही होगा। फेडरलिज्म में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना अपना पावर्स होती है।
हाँ भाई समझ गया। बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान से देखना। हाँ भाई बताओ। पांच फीचर समझ कर याद कर लूंगा मैं, एग्जाम में लिख दूंगा पांच नंबर आए। पहला फीचर है देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब फेडरलिज्म में ना दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहेगा ही रहेगा। जैसे हम लोग का क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, तीन तीन लेवल हुआ ना, दो से ज्यादा लेवल हो गया तो यह फेडरलिज्म हुआ। हाँ भाई ये तो याद हो गया। दूसरा फीचर्स बताता हूँ। बंटी इधर आओ तुम। हाँ सर। कौन सा स्टेट में रहते हो? सर उत्तर प्रदेश में। तो देखो बंटी के ऊपर ना कौन कौन सी गवर्नमेंट रूल करती है बताओ तो। सर मेरे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की है, वह रूल करती होगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश की है वह रूल करती होगी, वह भी रूल करती होगी, दोनों रूल कर रही है। तो बंटी तुम किसकी बात मानोगे, स्टेट गवर्नमेंट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की? सर मुझे दोनों गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी। देखो जितनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है ना वह सेम सिटीजन पर रूल करती है। जैसे स्टेट, सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट ना तीनों एक ही आदमी के ऊपर रूल करती है, लेकिन तीनों गवर्नमेंट की लिमिटेशन अलग अलग है। स्टेट गवर्नमेंट बहुत बड़ा फैसला नहीं ले सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा फैसला नहीं ले सकता जिससे स्टेट को प्रॉब्लम हो। वाह भाई समझ गया सेकेंड फीचर्स को। गवर्नमेंट एक ही सिटीजन पर रूल करती है लेकिन सबका लिमिटेशन अलग अलग है। थर्ड फीचर देखते हैं। देखो अभी हम लोग देखे कि डिफरेंस लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल, स्टेट और लोकल, सभी के पावर्स अलग अलग है, सबका काम भी अलग अलग है। जैसे बंटी का पावर्स कुछ हम लोग उस लड़के को दे दिए थे ना, तो पावर्स अलग हो गया था। अब क्वेश्चन आता है कि बंटी का पावर्स तो हम लोग डिवाइड कर दिए, या फिर बंटी का पावर हम लोग उस लड़का को दे दिए, लेकिन ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, ये सबको पावर कौन देता है, ये सबको पावर कौन डिवाइड करता है? भाई पता नहीं भाई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर्स होगी और कौन कौन सी पावर्स होगी। अच्छा है भाई पावर्स डिवाइड है, इसे गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। लेकिन भाई सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर कम कर सकती है क्या? फोर्थ फीचर यही है कि एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चाहकर भी दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट की पावर्स को चेंज नहीं कर सकती है। यदि पावर्स को चेंज करना है तो सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट को एक साथ अप्रूव करना होगा। अच्छा है भाई पावर्स को भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं बदल सकती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लाई तो स्टेट गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रहा था, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी ला पाया। यदि मान लो वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल लाई और ना जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वह रूल को पसंद नहीं कर रहा है तो क्या होगा बताओ तो? तब तो लड़ाई हो जाएगा भाई। अब कोर्ट बीच में आएगा, जो हमारा अदालत है ना कोर्ट, वो बीच में आएगा और बताएगा कि किसका कितना पावर्स है और कौन सही है और कौन गलत है, किसका बात मानना चाहिए। बहुत अच्छी बात है भाई। अब यदि क्वेश्चन आएगा कि फेडरलिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है भाई, तब हम क्या लिखेंगे? भाई पहला ऑब्जेक्टिव है जब पावर्स को हम बांट देंगे तब देश में एकता आएगा, यूनिटी आएगा, कोई एक आदमी मनमानी नहीं करेगा। सही है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है जब पावर बटा हुआ रहेगा तो सभी जगह के लोगों को बराबर पावर्स मिलेगी। हाँ भाई। भाई क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? कर दिया ना बच्चों वाला क्वेश्चन। जितने फीचर सभी हम लोग पढ़े फेडरलिज्म का, क्या वह इंडिया में अप्लाई होता है बताओ तो? हाँ भाई इंडिया में तो अप्लाई होता है। थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है, सबकी पावर्स भी अलग अलग बटी हुई है। अब आता है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, मतलब भारत एक फेडरल कंट्री है लेकिन कौन कौन सी फीचर इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है, चलो बताओ। हाँ भाई पहला फीचर है कि इंडिया में दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म का जो जो फीचर पढ़े है ना सब इसके अंदर आ जाएगा। जैसे दूसरा फीचर है कि सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट का पावर पहले से ही डिफाइन है। हाँ भाई थर्ड फीचर है ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट की पावर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से डिफाइन है। हमारे इंडिया में तीन लिस्ट है, इसको हम थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। यही तीनों लिस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की पावर डिसाइड करती है दोस्त। ये तीन लिस्ट में क्या है सर? बताता हूँ दोस्त। देखो यूनियन लिस्ट में ऐसे चीजों पर काम किया जाता है जो नेशनल लेवल पर हो, जैसे डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, यह सब जो भी काम है ना यह नेशनल लेवल पर होता है, मतलब पूरे भारत के लिए होता है, कोई एक स्पेसिफाई जगह के लिए नहीं होता है, पूरे देश के लिए, इसको हम लोग यूनियन लिस्ट बोलेंगे। मतलब सिर्फ पूरा देश के लिए डिसीजन लेना होगा तो यूनियन लिस्ट लेगी। यह सब जो डिसीजन है जैसे डिफेंस, करेंसी,
या तो पूरे देश के लिए एक जैसा ना होना चाहिए। जैसे जो हमारा रुपया है पूरे देश में तो सेम होगी ना, इस पर डिसाइड कौन करेगा, रूल कौन बनाएगा, यूनियन लिस्ट। हाँ भाई सही है, जो भी बड़े सब्जेक्ट पर डिसीजन लेना होगा ना वह यूनियन लिस्ट लेगी, सेंट्रल को ही यूनियन लिस्ट बोलते हैं ना भाई। हाँ बोल सकते हो। अब देखते हैं स्टेट लिस्ट को। देखो स्टेट लिस्ट में स्टेट के लिए डिसीजन लिया जाता है, उस स्टेट की पुलिस कैसी होगी, इरिगेशन कैसा होगा, एग्रीकल्चर कैसा होगा। भाई स्टेट के लिए जो लॉ होगी वह स्टेट बनाएगी ना। हाँ अब आता है कंकरेंट लिस्ट। देखो दोस्त इस लिस्ट में ऐसे काम किया जाता है ना जिसमें यूनियन एंड स्टेट दोनों का इंटरेस्ट हो, ठीक है, दोनों मिल बांट के काम करेंगे। मतलब ऐसे काम किया जाता है जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए जरूरी है, ठीक है। जैसे एजुकेशन, सर एजुकेशन तो पूरे देश के लिए जरूरी है ना, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। लेकिन भाई यदि दोनों यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी तो किसकी लॉ एक्सेप्ट किया जाएगा, थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट ना यूनियन गवर्नमेंट को दिया जाएगा और यूनियन गवर्नमेंट की बनाई लॉ को एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन सर जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो बहुत कुछ उसमें नहीं लिखा गया था, जैसे आज का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उस समय नहीं था ना, तो इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर तो लॉ कौन बनाएगा। सही क्वेश्चन। देखो जो भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है ना तो उस पर जो लॉ बनाएंगे ना, न्यू लॉ जो बनाएंगे ना उसको कौन बनाएगा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे जो हमारा अभी नया साइबर क्राइम पर लॉ आया है तो उसको कौन बनाया होगा, डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया होगा क्योंकि ये न्यू लॉ है। अब भाई ये होल्डिंग टूगेदर फेडरलिज्म क्या है। देखो इस फेडरलिज्म में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट होगा ना सबका पावर्स बराबर नहीं होगा। मतलब इंडिया में 28 स्टेट है ना, तो सभी स्टेट्स के पावर बराबर नहीं है, कुछ स्टेट को कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस भी देना पड़ता है। तो सर होल्डिंग टूगेदर फेडरलिज्म का कुछ एग्जांपल बताइए ना। देखो SBI यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा, S for Spain, B for Belgium एंड I for हमारा इंडिया। ये सब जो एग्जांपल है होल्डिंग टूगेदर फेडरलिज्म का एग्जांपल है। याद कर लो SBI जो बैंक है ना उसका फुल फॉर्म क्या है, स्पेन बेल्जियम और इंडिया। भाई एक कमिंग टूगेदर फेडरलिज्म होता है जिसका एग्जांपल USA, U for USA, S for Switzerland और A for Australia। हाँ कमिंग टुगेदर का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा स्टेट एक साथ मिलकर एक देश बनाते हैं, उसको कमिंग टुगेदर कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं USA का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है इसको ध्यान से देखना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब जब बहुत सारे स्टेट यूनाइटेड हो जाएगा ना उसको हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहेंगे। मतलब अमेरिका में बहुत सारे स्टेट मिलकर एक देश बनाया गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कमिंग टुगेदर, ठीक है एग्जांपल समझ लिए। वाह सर मजा आ गया, वाह। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें 100 क्वेश्चन का लिस्ट दे देता हूँ SST की, ठीक है, मतलब सोशल साइंस की, और मैं ये चीज बोल देता हूँ तुम लोगों की जो एग्जाम आने वाली है ना इसी 100 क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सही में सर मजा आ गया, थैंक्स सर। अच्छा ये बताओ सिर्फ ये क्वेश्चन दे देने से तुम टॉप करोगे क्या। नहीं सर मुझे वह 100 क्वेश्चन को पढ़ना होगा, फिर एग्जाम में सही से लिखना होगा, तब मैं टॉप कर पाऊंगा सर। ठीक उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बना देने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि सभी लोगों को डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को उसका पालन करना होगा, उसको फॉलो करना होगा, उसको प्रैक्टिस करना होगा। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो थ्योरी पहले से लिख दी गई है, लेकिन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को उसको प्रैक्टिकल करना होगा। देखो दोस्त हम जानते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म है और बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन यह इतनी अच्छे से हमारे इंडिया में कैसे चल पा रही है यह जानने की कोशिश करते हैं हम। हाँ भाई बताओ। चलो बताओ गुजरात महाराष्ट्र में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। सर गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाला है। शाबाश, मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पर भी स्टेट बनाया गया है, मतलब एक जैसा बोलने वाले लोगों को ना एक स्टेट में रखा गया है। हाँ भाई ज्यादातर यही देखा गया है। लेकिन दोस्त 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था ना तब सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि एक लैंग्वेज बोलने वालों को ना एक स्टेट बना दिया जाए। तो सर इसमें प्रॉब्लम क्या है। उसमें सभी नेता लीडर्स को लग रहा था कि आज इनकी स्टेट बना देंगे तो कल ये बोलेंगे कि मुझे कंट्री भी बना दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी सक्सेस हुई। हाँ भाई आज भी सभी लोग खुश हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म ये लिंग्विस्टिक स्टेट के चलते आया, क्योंकि सबको अपना भाषा बोलने का अधिकार है, फ्रीडम है, सब एक जैसे एक साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। भाई मुझे बताओ ना इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है। बताओ सारे स्टूडेंट, गलत मत बताना, मैंने पोल में पूछा तो बहुत लोग गलत बता दिए थे। सर इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। नहीं सर संस्कृत है, ये तो गलत बोल रहा। अरे शांत, सही बात यह है कि इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है।
हाँ, कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। क्या भाई? देखो, इसका एक फायदा है, यदि हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दें और सारे लोगों को बोल दें कि हिंदी ही बोलो तो दिक्कत हो सकती है ना। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, ये सारे लोग तो दुखी हो जाएंगे ना और रिवोल्ट करने लगेंगे, लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। ओ सर, इसी चीज से बचने के लिए हमारे इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। देखो, नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब ऑफिस में हिंदी या इंग्लिश बोल सकते हैं। ये भी बढ़िया है। देखो, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें 22 लैंग्वेज को बताया गया है, ये इंडिया में बोली जाने वाली लैंग्वेज है। देखो दोस्त, हमने लेवल ऑफ गवर्नमेंट में देखे थे कि 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की रिलेशन कैसा है। अच्छा ही होगी ना भाई, तभी तो सब मिलकर काम कर रहे हैं। देखो, पहले क्या था, वन पार्टी सिस्टम थी, नेशनल पार्टी थी, मतलब एक पार्टी पूरे कंट्री को चलाती थी, तो यह रीजनल पार्टी की बात नहीं सुनती थी। ये तो गलत बात है ना भाई। तो समय के साथ रीजनल पार्टी को ज्यादा वोट मिलने लगी, जिसके वजह से नेशनल पार्टी को भी रीजनल पार्टी के साथ देना पड़ता था मजबूरी में। इसी कारण स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक साथ रहना पड़ता है। देखो, यही 3 कारण, पहला लिंग्विस्टिक स्टेट, दूसरा लैंग्वेज पॉलिसी और तीसरा सेंट्रल स्टेट रिलेशन के कारण ही इंडिया में फेडरलिज्म इतने अच्छे से काम कर रहा है। एग्जाम में अगर लिख देना भाई। सारा चीज तो पढ़ लिए, अब एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ, ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? देखो, जब पावर्स को सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दिया जाए उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, फिर सुनो, जब पावर्स को ना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे अभी मेरा कुछ पावर को इस लड़का को दे दिया गया ना सर। हाँ, लेकिन यह डिसेंट्रलाइजेशन की क्या जरूरत है सर? जब लोकल गवर्नमेंट को पावर देंगे तब अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या खराब है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता होगा कि दिल्ली की सोसाइटी में घर की जरूरत है या फिर पानी की जरूरत है, या तो सोसाइटी के लोगों को ना पता होगा, इसलिए वहाँ के लोकल गवर्नमेंट को यानी मुखिया सरपंच को पावर दिया जाता है। भाई, कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं डिसेंट्रलाइजेशन के लिए? सबसे पहले तो यह कहा गया है कि लोकल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन होगी जिससे मुखिया या सरपंच चुनते हैं। हाँ सर, अब इलेक्शन होती है, मेरे भी घर तरफ हुई थी। दूसरा, आरक्षण यानी रिजर्वेशन लाया गया ST SC और OBC के लिए कि वे भी इलेक्शन लड़ सकें। अच्छा भाई, सबसे मजेदार तीसरा, 1/3 सीट मतलब 33% सीट वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया। वाह भाई वाह, ये भी अच्छा है सर। चौथा, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो यह लोकल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन करवाएगी। और आखिरी है, स्टेट गवर्नमेंट को कह दिया गया कि लोकल गवर्नमेंट को पावर और रिवेन्यू देना होगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को कह दिया गया है कि लोकल गवर्नमेंट को पैसा देना, भाई तभी ना काम करेगा लोकल गवर्नमेंट। हाँ भाई, समझ गया, एग्जाम में आएगा तो मैं लिख दूंगा। बहुत बढ़िया दोस्त, आप देख लेते हैं गांव और शहर में कौन कौन सी लोकल गवर्नमेंट होती है। हाँ सर, बताइए। देखो, गांव में रूरल लोकल गवर्नमेंट, उसी को हम पंचायती राज कहते हैं, यह होता है। और शहर में अर्बन लोकल गवर्नमेंट, उसी को म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं। हाँ भाई, देखो गांव में देखे तो सबसे पहले ग्राम पंचायत होता है जिसमें लोग मुखिया सरपंच को चुनते हैं, फिर बहुत सारा ग्राम पंचायत को जोड़ देना तो उसको जोड़ के क्या बनता है, पंचायत समिति बनता है। और फिर बहुत सारा पंचायत समिति को जोड़ देंगे, मिला देंगे, तो क्या बनेगा, जिला परिषद बनेगा। ठीक है, समझो इसको। हाँ भाई, समझ गया। बहुत सारा ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति बनाता है और बहुत सारा पंचायत समिति मिलकर जिला परिषद बनाता है। अब शहर को देखते हैं, म्युनिसिपैलिटीज को। देखो, इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। टाउन यानी छोटे शहर में ना म्युनिसिपैलिटीज होती है और बड़े शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। हाँ सर, पूरा चैप्टर समझ गया मैं।